वृहद रोजगार मेला का आयोजन, लोगों को दिया जा रहा रोजगार। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान के मैदान में आज वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जहां देश और प्रदेश की 27 नामी कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाकर बेरोजगारों का इंटरव्यू कर उनको नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। सभी स्टॉलों पर बेरोजगार अपना प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनको इंटरव्यू लेने के बाद उसकी अच्छी सैलरी पर जॉब दिलाई जा रही है। करीब 2700 बच्चों का प्लेसमेंट होना है और 27 कंपनियां यहां पर आई हुई है। बेरोजगार लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाया जा रहा है। वृहद रोजगार मेले में जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी विधायक, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांकेतिक तौर पर 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने वृहद रोजगार मेले के बारे में बताया, तो वहीं आने वाले निकाय चुनाव पर उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और इसका परिणाम कर्नलगंज में देखने को मिला है। ये योगी जी की सरकार है, जहां अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो, सबको पारदर्शिता के साथ और पारदर्शिता के अनुसार ही चुनाव में काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक ने कह दिया है कि रामपुर का उपचुनाव का भविष्य बीजेपी के हाथ में है। जैसे हम लोगों ने आजमगढ़ और रामगढ़ का लोकसभा सीट जीती थी, उसे ही रामपुर का उपचुनाव भी जीतेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र के मैदान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और देश की 27 नामी कंपनियां यहां पर आई हैं। करीब 2700 बच्चों का यहां प्लेसमेंट होना है। बच्चों में बड़ा उत्साह है। पूरे मैदान के अंदर 27 स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चे वहां पर अपने प्रमाण पत्रों को जमा कर रहे हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और 2700 बच्चों का चयन होगा और उनको उनकी अच्छी सैलरी दी जाएगी। कुछ बच्चों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें एक नई शुरुआत हो रही है। आपको रोजगार दिया जा रहा है, वो चाहे आईटीआई से प्रशिक्षित छात्र हो या फिर कौशल विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं, जिसमें आपको विभिन्न ग्रेड में ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के तहत हम लोगों को आज यहाँ ITI कैंपस गोंडा में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और देश की 27 नामी कंपनियां यहाँ पे पधारी हैं और करीब 2700 बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे होना है। बड़ा उत्साह है बच्चों में और करीब 27 स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चे वहाँ पे अपना प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू होगा और 2700 बच्चों का यहाँ पे चयन होगा। उनको अच्छी खासी सैलरी पे उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चों को सांकेतिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। 5 बच्चों को हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी महोदय, विकास अधिकारी महोदय के द्वारा समाप्त किया गया है। वोटर लिस्ट में कोई भी छेड़छाड़ करेगा, उसका आपने देखा कर्नलगंज में किस तरह उसका परिणाम आया है, तो ये योगी जी की सरकार है, इसमें कोई भी अराजकता किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी चुनाव हैं, जो सरकारी विभाग के अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे जो, वो पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करेगा।
हैं, हम लोग आजमगढ़ में जीते हैं, आपके सामने ही है लोकसभा, और रामपुर लोकसभा भी जीते हैं। तो आने वाला भविष्य सिर्फ भाजपा का ही है, सपा बसपा को जनता भूल गई है, कांग्रेस को भी जनता भूल गई है, क्योंकि इनका कार्यकाल, उनके कार्यकाल की तुलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के सरकार की तुलना करते हैं, जनता करती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम सरकार भारतीय जनता पार्टी की।